स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जो अपने YouTube चैनल का लोगो कैसे आप बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से। और यहां पे दोस्तों मुझे जो लोग कमेंट करते हैं कि भाई इस नाम का लोगो बनाओ, भाई इस नाम का लोगो बनाओ, तो यहाँ मैं उसी नाम से लोगो बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर चलिए अभी अगला कमेंट देखते हैं कौन सा कमेंट आया किस नाम से लोगो बनाना है। तो यहाँ मैं जो अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप जो भी कमेंट करते हो, यहाँ पर आप जो भी लोग बोलते हो, मैं वही नाम से यहाँ पर जो लोगो बना के अपलोड करता हूँ ताकि आप लोग जो देख सको और अपना लोगो बना सको। और यहाँ पे चलिए अगला कमेंट देखते हैं कौन सा कमेंट आया। और यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं और यहाँ पे कई सारा तो कमेंट आ चुका है पहले से। और यहाँ पे देखते हैं कौन सा मुझे लास्ट में बनाया था मैंने लोगो। और यहाँ पे तो मैंने BSS का बना दिया हुआ और यहाँ पे BS का भी बना दिया हुआ लोगो। और यहाँ पे अगला कमेंट आता है देसी स्टेटस वाला चैनल का नाम है। और यहाँ पे इस चैनल से कमेंट आया है बहुत सारा। और यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। और यहाँ पे आया भाई एक TEJU का बनाओ करके। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो मैं आपको TEJU के नाम से लोगो बनाना सिखाऊँ, तो कैसे आपको बनाना है वो सारा चीज़ मैं आपको जो आज के इस वीडियो में ही बताऊँगा। तो आप जो वीडियो के साथ बने रहो, वीडियो को देखते रहो, कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, सारा चीज़ मैं आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो भी इस वीडियो को देखिए कैसे क्या करता है। यहाँ पे मैं अपने लोगों को बनाने के लिए अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ मैं जो इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मेरा जो पिक्सल एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका। और यहाँ पे आपको न्यू टेस्ट देखने के लिए मिलेगा। आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल टैप करना और यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसको कट करना। और यहाँ पे आपको जो भी नाम से लोगो बनाना है आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में TEJU के नाम से बनाना सिखाऊँ, तो यहाँ मैं चलिए वो टाइपिंग करता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे जो है टी टाइपिंग कर लेता हूँ और यहाँ मैं डन करके यहाँ मैं ओके करता हूँ। और मेरा टी टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक ही ऑप्शन पे जाता हूँ। और यहाँ पे मैं चले जाता हूँ अपने जो इस फॉन्ट के ऑप्शन पे। और यहाँ पे चलिए मैं कोई सिंपल सा फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ मैं जैसे मान लीजिए मैंने इस फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये वाला नहीं, चलिए बोल्ड थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ और यह मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पे देख सकते हो। और इसका मैं जो कॉपी लेता हूँ यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन क्लिक करके और एडिट के ऑप्शन जाता हूँ। और यहाँ मैंने जो टी लिखा हुआ इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ मैं जो अगला वर्ड लिखता हूँ ई करके, यानी TEJU करके, तो मैंने दूसरा वर्ड यहाँ पे ई आता है तो मैंने ई लिखा। यहाँ पर मैं इसको लेकर के यहाँ पर आता हूँ और यहाँ मैंने जो ई वर्ड को भी टाइपिंग करके लिखा। और यहाँ पर लिखने के बाद अभी क्या करता हूँ मैं इसको जो यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके इसके बराबर में। तो मैं यहाँ पर चलिए अच्छी तरीके सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे करना है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको अभी जो करना है, यहाँ पे आपको जो अपना प्लस का एक ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पे आना है। और यहाँ पे आपको एक सेव लेना है कुछ इस तरह। और यहाँ पे आपको अपने इस सेव को बीच में कुछ इस तरह से रखना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको यहाँ पे इसमें जो कोई कलर डाल लेना है। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है ब्लैक कलर को रख रहा हूँ, ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और मेरा जो ब्लैक कलर का सेव यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मैं इसका सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन क्लिक कर इसका कॉपी लेता हूँ, यानी कि इसका कॉपी लेने के बाद इसका साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और वापस से 10 से भी छोटा कर दे रहा हूँ साइज पतला में। और इसको मैं कुछ इस तरह रोटेट करता हूँ और यहाँ मैं इसको जो यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और सेट करने के बाद मैं इसी का कॉपी लेता हूँ और इसको पहले चलिए अच्छी तरह सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं इसका जो कॉपी लेता हूँ इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखते हैं कुछ इस तरह, इसका मैं कॉपी लेता हूँ और इस कॉपी को मैं इसके दूसरे वाले शेप की इधर सेट कर रहा हूँ। और कॉपी लेता हूँ मैं इसको, मैं यहाँ पे तीसरे वाले इसके शेप की इधर सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ मैं एक और कॉपी लेता हूँ और इस कॉपी को मैं यहाँ पे इसके यहाँ पे साइड में सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और यहाँ मैं एक और कॉपी लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जो कुछ इस तरह यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना होगा आपको, जो आपका शेप का डिज़ाइन है वो न कट पाए, यहाँ पे कुछ इस तरह यहाँ पे आपको सेट कर देना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह सेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो लेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको सभी लेयर के नीचे छोटा सा सर्कल मिलेगा जिससे आप क्लिक करके सभी लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको जो भी लेयर मैंने बनाया हुआ, जो भी शेप का लेयर है, जो भी टेक्स्ट का लेयर है, सारे लेयर को एक साथ सिलेक्ट करके नीचे आपको थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके करना है। और ओके करते यहाँ पे आपको जो भी लेयर रहेगा आपका एक साथ हो जाएगा। ऊपर जो लेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको चले जाना है इरेज कलर के ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है। और यहाँ पे आपको जो व्हाइट कलर का जो भी शेप डिज़ाइन बना रहा है वो आपका यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको जो कलर पिक का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको राइट का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे आप जो ब्लैक कलर का भी जो कुछ भी शेप डिज़ाइन बना रहेगा वो आपका यहाँ पे जो रिमूव हो जाएगा। अभी आपको इसका जो कुछ इस तरह टॉलरेंस थोड़ा सा बढ़ा देना है और यहाँ पे ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह बना लेना। और यहाँ पे जो TE नाम का जो यहाँ पे लोगो बन चुका है, अभी बच रहा है मेरा J करके और U करके। तो यहाँ पे चलिए उसको टाइपिंग कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे प्लस के आइकन क्लिक करें, टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको डबल टाइप करके कट करता हूँ जो भी लिखा गया है। और यहाँ मैं अगला वर्ड लिखता हूँ UJ करके, यानी JU करके लिखना है। तो यहाँ मैं पहले U टाइपिंग कर लेता हूँ, यहाँ मैं डन करके ओके कर रहा हूँ।
मेरा यू टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे एक ही ऑप्शन पे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ मैं चले जाता हूँ फॉन्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे जो मैंने पहले वाले टेक्स्ट में शेप में जो मैंने लिया हुआ था फॉन्ट, वही मैं फॉन्ट यहाँ पे भी लिखता हूँ। तो ये रहा मेरा फॉन्ट, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। यह मेरा यू टेक्स्ट आ चुका है, उसका साइज में पहला वाला जो मेरा साइज था शेप का उसका साइज में यहाँ पे रखता हूँ उतने साइज में। और यहाँ पे रखने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, अभी आपको यहाँ पे जो आपका शेप है इसको यानी आपका जो टेक्स्ट इसको यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना है। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन क्लिक करके शेप के ऑप्शन क्लिक करके एक शेप लेना और यहाँ पे इसका साइज आपको छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको इसमें जो कोई कलर दे देना है, जैसे मैं यहाँ पे ब्लैक कलर को रखता हूँ ऊपर जो राइट का उसमें वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। और अपने इस कलर को रखने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद आपको यहाँ पे करना का इसको थोड़ा सा ऊपर आप रख लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे आपको इसे सेट करने के बाद यहाँ पे लेयर के ऑप्शन जाना है और यहाँ पे आपको जो है नीचे छोटा सा सर्कल उस पर क्लिक करें। यू वाला आपको जो यानी टेक्स्ट वाला लेयर उसको आपको शेप वाला लेयर उसको दोनों को सिलेक्ट करके नीचे थोड़ा सा क्लिक करके ओके करोगे यहाँ पे आपको जो भी लेयर एक साथ हो जाएगा। ऊपर जो अभी आपका लेयर को वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको चले आना इरेज कलर ऑप्शन पे, यहाँ पे इसको क्लिक करके इनेबल करना और यहाँ पे आपको कलर पिक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर रहेगा रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप दोस्तों ध्यान दोगे तो यहाँ मेरा यू यानी कि यहाँ मेरा जो है जे टेक्स्ट भी बन चुका और यू टेक्स्ट भी यहाँ पे बन चुका। तो यहाँ पे आप इस तरीके जो अपना जो यानी यू टेक्स्ट दोनों नाम का टेक्स्ट यहाँ पे बना सकते हैं, यू हो गया और यहाँ पे जे भी आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह टी ई जे यू करके टेक्स्ट बना लेना और यहाँ पे अभी आपको इसमें कलर देना है। तो कलर देने के लिए पहले तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका मैं कॉपी लेता हूँ और यहाँ मैं क्रॉप के ऑप्शन जाता हूँ और यहाँ मैं इसका आधा भाग यहाँ पे कट कर देता हूँ यानी क्रॉप कर देता हूँ और नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं ऐसे दूसरे वाले जो कॉपी वाला उसको सिलेक्ट करके क्रॉप के ऑप्शन जाता हूँ। और यहाँ मैं जैसे मैंने उस पहले वाले में क्रॉप किया था यहाँ मैं उसके दूसरे साइड का रखता हूँ और पहले साइड का क्रॉप करके नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ। मेरा जो ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे आ चुका है इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और वैसे मैं इसका भी कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ पे कॉपी लेने के बाद यहाँ मैं जो है यहाँ पे मुझे क्रॉप नहीं करना है, यहाँ पे मुझे इरेज के ऑप्शन पे जाना और यहाँ मैं जो है इसको इरेज का साइज बढ़ाता हूँ और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ कुछ इस तरह। इस पार्ट को यहाँ पे इरेज करने के बाद अभी मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे नीचे राइट का ऑप्शन है साइड में उस पर क्लिक करता है और यहाँ पे आपको जो कुछ इस तरह एक शेप आ जाएगा भैया आपको इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इरेज का ऑप्शन जाना है। पहले वाले में आपने जो इस वाले पार्ट को इरेज किया था यहाँ पे आपको इस वाले पार्ट को इरेज नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है अपने इरेज का साइज बढ़ा करके आपको इस वाले जो साइज यानी शेप को इरेज को इस साइड वाले शेप को इरेज कर देना है। उसके बाद नीचे राइट का ऑप्शन साइड में उससे क्लिक करना और यहाँ पे आपका ये शेप आ जाएगा और यहाँ पे आपका दूसरा वाला शेप आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे जो सेट कर लेना अपने हिसाब से साइज के हिसाब से जो भी आपका साइज है सेट करने के बाद अभी आपको जो भी टेक्स्ट इसमें कलर देना है। तो पहले मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ एक ही ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं जो रखता हूँ रेड कलर, यहाँ मैं जो कलर के ऑप्शन जाके यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ रेड कलर आ चुका है। और यहाँ मैं वापस इसका ई वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कलर के ऑप्शन जाता हूँ इसको क्लिक करके इनेबल करता हूँ और इसमें मैं जो ब्लैक कलर को रखता हूँ और यहाँ मैं वापस जो इस छोटे वाले सर्कल मैंने जो बनाया हुआ है इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जो कलर के ऑप्शन जाता हूँ और यहाँ मैं इसको क्लिक करके रेड कलर रखता हूँ। दूसरे वाले को सिलेक्ट करके यानी जे वाला मेरा जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके मैं कलर के ऑप्शन जाता हूँ इसको इनेबल करके यहाँ मैं जो रेड कलर यानी यहाँ पे मैं ब्लैक कलर को रखता हूँ। ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ और इसमें जो शेप मैंने बना हुआ इसको मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से इसके बराबर में जैसा मेरा पहले यहाँ पे सेट था। तो यहाँ मेरा कुछ इस तरह जो लोगो का डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे जो ये लेयर का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको जो भी लेयर है आपको सारे लेयर को एक साथ सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आप ये छोटे से सर्कल पे क्लिक करके जो भी लेयर है आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने बाद नीचे थर्ड ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आप ओके करोगे जो भी लेयर रहेगा आपका एक साथ हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे इसको बीच में सेट करना और यहाँ पे आपको जो नीचे फोर्थ ऑप्शन जाना है कलर का ऑप्शन जाना है। यहाँ पे आपको कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड में व्हाइट कलर को रखना है और यहाँ पे आपको ऊपर जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी आप यहाँ पे देखोगे आप जो टी ई जे यू करके लोगो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से लोगो बना सकते हो और लोगो बनाने के बाद आपको इसको अपने गैलरी में सेव करना होगा। उसके लिए यहाँ पे आप जो शेयर के ऑप्शन क्लिक करोगे यहाँ पे आपको डायमेंशन में डिफॉल्ट का ऑप्शन सेलेक्ट नजर आएगा। यहाँ पे आपको इस डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव टू गैलरी का ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी लोगो बना रहेगा वो लोगो आपके गैलरी में बन के सेव हो जाएगा। तो दोस्तों बस आपको इतना ही काम करना है टी ई जे यू नाम का लोगो बनाने के लिए। तो जाइए अभी कुछ इस तरह लोगो बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो में जो कुछ बताना था मैंने आपको सारी चीज़ के बारे में बता दिया। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।